तब तुमने संविधान बनाया, तब तुमने संविधान बनाया, दलितन को अधिकार दिलाया, बाबा साहेब की बंसी दरबार की। आज वहां अहिंसक ने विचार किया, बादशाह गौतम की तरफ से 20 मुद्राओं का धर्मदान प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, जीवन सुखी में हो। तो विचार किया है कि मेरा भविष्य तो वैसे भी खराब ही कि मैं 1000 प्राणियों को मारूंगा, मैं 1000 प्राणियों को मारूंगा। वो कैसे मारूंगा? विचार किया, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया उस माँ से मिलता चलूं। आज इधर श्रावस्ती के बीच में छोटा था, जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए गया था, जब लौट करके आया तो काफी बड़ा हो चुका था। घर को पूछते पूछते जब घर पर पहुंचा है तो मैया मैत्राणी अपने लाल का इंतजार कर रही थी। मैया मैत्राणी ने अपने पुत्र को जब घर आते हुए देखा है तो कलेजे से लगा लेती है, कलेजे से लगा लेती है, जवाब दिया है, बेटा बहुत दिनों के बाद तू आया है, तेरे तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी। आज मैया मैत्राणी ने अपने लाल को कलेजे से लगा लिया, मेरे कुमार आज तुम शिक्षा को पढ़ करके आए हो, काफी दिन हो गए हैं तुम्हें। उसी समय अहिंसक के ऊपर केवल एक ही दुख था कि गुरु ने हमारे भविष्य को बनाने की बजाय हमारा भविष्य बेकार कर दिया। 1000 प्राणियों को मारने की गुरुदक्षिणा में मुझसे मानवों का कत्ल मांग लिया, इसीलिए रो रहा था। मैया मैत्राणी ने अपने लाल को जिस समय रोता हुआ देखा है तो कहने लगी है, प्यारे तुम रो क्यों रहे हो? तुम तो पढ़ करके आए हो, लेकिन तुम्हारी आंखों से सुरधारा क्यों बह रही है? क्या कारण है? तो आज मैया मैत्राणी पूछने लगी है, मेरे बेटा, मेरे कुमार, मेरे दुखिया के लला, बेटा किसने तोई मारो, अपने संतान को 9 मास अपने उदर में रख करके मुसीबतों का सामना करने के बाद एक संतान को जन्म देती है। माँ की ममता संतान के लिए कितनी व्याकुल होती है। आज वो मैया मैत्राणी अपने पुत्र को रोता हुआ देखती, बहुत दुखी हो रही है, पूछ रही है, मेरे लाल किसी ने तुमसे कुछ कहा है? किसी ने तुम्हें गाली दी है जो आप रो रहे हो? समझा रही है, अरे पूछ रही लला तेरी मैया, तोई किसने मारो कुमर बताई दे, मेरे प्यारे छैया तोई। अरे
किसने मारा है तुझे मेरे लाल, क्यों रो रहा है? अरे पूछ रही लला तेरी मैया, कोई किसने मारो कुमार बताई दे मेरे प्यारे सुधी अपने किया चाहे कितनो में जाए बैर बखत सुधी अपने किया वे मैया मैं त्राणी।